नमस्कार दोस्तों, रियल इंडिया चैनल पर आपका स्वागत। और आज मैं आपके लिए एक बड़ा अपडेट लेकर आऊं। अपडेट ये है कि नेशनल हेल्थ मिशन NHM के डायरेक्टर ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उनको एक लेटर लिखा है। और लेटर में जो है क्या कुछ लिखा है, उसमें मेन बात तो ये है कि जो MPSW ANM में जो तमाम पोस्टें हैं स्वास्थ्य विभाग में, उनको जो है रोजगार कौशल निगम के तहत करने का निर्णय लिया है। और उसमें जो है रोजगार कौशल निगम के तहत जो है भर्ती करने के लिए जो है लेटर लिखा है। तो कौन कौन सी पोस्ट जो है इसके रिगार्डिंग आएंगी, आइए बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेटर दिखाता हूँ, लेटर देखिए और मैं डिटेल बताऊँगा आपको। सब्जेक्ट: रिक्वेस्ट रिगार्डिंग द अप्रूवल ऑफ डिसिग्नेशन ऑन हरियाणा कौशल रोजगार पोर्टल। रिफरेंस सब्जेक्ट सिटीज अबो एज पर डिस्कशन इन द वीडियो कॉन्फ्रेंस हेल्ड ऑन डेटेड 11/7/2022 चेयर्ड बाई CEO HKRN इन द प्रेजेंस ऑफ WMission डायरेक्टर NHM DG MCH एंड अदर ऑफिसर्स ऑफ NHM हरियाणा। यू आर हेयर बाई रिक्वेस्टेड टू क्रिएट द फॉलोइंग पोस्ट ऑफ NHM हरियाणा थ्रू आउटसोर्सिंग ऑन HKRN L पोर्टल। द डिटेल्स ऑफ द पोस्ट आर प्लेस्ड ऑन टेबल वाइज। ये जो पोस्ट बताऊँ, ये जो है HKRN HKRMS पोर्टल के तहत जो है आगे भरी जानी है। और इनको जो HKRN पोर्टल पर जो अपलोड करने का जो है लेटर लिखा है। डॉक्टर BMS जो है, और इसमें जो है BMS की डिग्री होनी चाहिए, हिंदी संस्कृत अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड, ठीक है। उसके बाद OT असिस्टेंट, इसमें प्लस टू होनी चाहिए, साथ में जो OT का डिप्लोमा और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। हिंदी संस्कृत जो है सभी में 10वीं तक होनी चाहिए जितनी पोस्टिंग इसमें। स्टाफ नर्स के लिए BSc नर्सिंग या GNM कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन बाय गवर्नमेंट, ठीक है, हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा जो है BSc या GNM नर्सिंग का कोर्स होना चाहिए। अब बात आती है ANM और MPSW, मेल और फीमेल। ANM और MPSW के अंदर जो ANM कोर्स का जो है डिप्लोमा होना चाहिए हरियाणा किसी भी इंस्टीट्यूट से, और हरियाणा से रजिस्टर्ड होना चाहिए। 10वीं तक जो है हिंदी संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए। EMT, बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, GNM, BSc नर्सिंग होनी चाहिए, और साथ में जो हिंदी संस्कृत, ये तो सभी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है हिंदी संस्कृत का ज्ञान जो 10वीं तक, ये सभी पोस्ट मांग रखा है। तो रिसर्च असिस्टेंट, इसमें जो ग्रेजुएट डिग्री वगैरह मांग रखी है। अब आगे दे रखा है इसमें रेडियोग्राफर, 10वीं पास साइंस से होनी चाहिए, और रेडियोग्राफर का जो डिप्लोमा होना चाहिए रोहतक इंस्टीट्यूट से या किसी अन्य इंस्टीट्यूट से जो कि हरियाणा से रिलेटेड हो। और ICU टेक्नीशियन, BSc इन OT टेक्नोलॉजी या 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए OT टेक्नोलॉजी, और इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है अकाउंटेंट ऑफिसर, इसमें जो पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स विद 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन फाइनेंस मैनेजमेंट और MBA वगैरह, जो इसमें डिग्री वगैरह मांग रखी हैं, आप जो है कंप्लीट डिटेल में पढ़ लेना। कंट्रोल रूम ऑपरेटर, इसमें जो है BCom, BBA, BCA, PGDCA, MSc, IT, CS जो अच्छे कंप्यूटर नॉलेज के साथ होनी चाहिए, ठीक है। और अकाउंटेंट असिस्टेंट, इसमें BCom 55% मार्क्स के साथ, और साथ में जो है टेली ERP 9 सॉफ्टवेयर का जो है नॉलेज होना चाहिए, और 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। सिविल रजिस्ट्रेशन असिस्टेंट, इसमें जो है BA पास होनी चाहिए और कंप्यूटर ऑपरेशंस में जो है डिप्लोमा होना चाहिए। KMC सपोर्ट वर्कर, 10वीं पास होना चाहिए और हिंदी संस्कृत पढ़ लिखना चाहिए, और जो 1 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल में या किसी हेल्थ इंस्टीट्यूशन में काम करने का। उसके बाद है केस रजिस्ट्री असिस्टेंट, हायर सेकेंडरी एंड नॉलेज ऑफ विधवा बेस्ड पैकेज और अप्लीकेशंस, ठीक है। और 10वीं तक जो है हिंदी संस्कृत तो करने की जरूरत नहीं, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन में। इंसेक्ट कलेक्टर, इसमें 10वीं पास होना चाहिए, नॉलेज ऑफ विंडो बेस्ड पैकेज और अप्लीकेशन, विंडो पैकेज अप्लीकेशन का इनका जो नॉलेज होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए, इसमें जो 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। केस रजिस्ट्री असिस्टेंट और इंसेक्ट कलेक्टर में सेम क्वालिफिकेशन है। और इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, इसमें BCom मांग रखी है 45% मार्क्स के साथ, साथ ही जो है टेली ERP 9 सॉफ्टवेयर का जो है नॉलेज होना चाहिए, 1 साल का जो है मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेटवर्क इंजीनियर, इसमें BE या BTech कंप्यूटर और डिग्री वगैरह मांग रखी है। अब बात करते हैं टेक्निकल सुपरवाइजर में, जो है डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी DMLT की डिग्री मांग रखी है इसमें, और कंप्यूटर असिस्टेंट में प्लस टू विद 50% मार्क्स, ओ लेवल कोर्स होना चाहिए DOEACC या 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन या कोर्स होना चाहिए इन प्रोग्रामिंग असिस्टेंट NCVT जो भी है, ठीक है, इसमें कंप्यूटर वगैरह का फंडा दे रखा है। अब आगे बात करते हैं इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट, इसमें जो 12वीं पास के साथ 50% मार्क्स होने चाहिए और जो साथ में कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए।
तो इसमें सबसे नीचे लिखा है कि इट इज़ नोटिफाइड दैट द रिक्वेस्ट ऑफ अबो सैड डिसिग्नेशन सेल आल्सो बी अपलोडेड ऑन HKRN पोर्टल लॉगिन ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा हैंस यू आर हेयर बाई रिक्वेस्टेड टू मेक प्रोविजन ऑफ विजिबिलिटी और क्रिएटेशन ऑफ अबो सैड डिसिग्नेशन एट द अर्लीस्ट ऑन HKRN पोर्टल सो दैट द स्टाफ वर्किंग अंडर NHM थ्रो आउटसोर्सिंग में भी रजिस्टर्ड ऑन HKRN पोर्टल। और ये जो कॉपी भी जो है इनको दे रखी है जो चेयरमैन हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड हरियाणा या WOBLIG एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा हेल्थ डिपार्टमेंट प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्किल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट हरियाणा सेक्रेटरी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज हरियाणा और ऑल सिविल सर्जन हरियाणा। तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि अब जो आने वाले टाइम में जो है जो भी साथी जो है MPSW की पक्की भर्ती जो है बाट देख रहे थे वो ना देखें क्योंकि जो है ये रोजगार कौशल निगम के तहत जो है ले लिया गया है और जो लेटर जो NHM ने जो है रोजगार कौशल निगम के जो चेयरमैन हैं उनको बेतौर लिख दिया गया है। तो अब जो है MPSW की जो है पक्की भर्ती तो आने के चांस ना के बराबर है, अब जो है कंटेक्ट बेस भर्ती होगी रोजगार कौशल निगम के थ्रू। तो दोस्तों ये अपडेट थी, और ज़्यादा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल साथ बने रहिए, देखते रहिए इंडिया आपका अपना चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें और साथ ही चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक लेटेस्ट अपडेट के साथ, इसी के साथ जय हिंद जय भारत।